सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आंगनबाड़ी बहनों ने शिकायत की है और उन्होंने गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। आइए देखते हैं इस वीडियो को, इसमें और भी कई जानकारियां लगी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख करके ही जाना। शीला बहन है, गाजीपुर जिले से आती हैं और उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है मुख्यमंत्री जी को, जिसमें उन्होंने लिखा है, माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नम्र निवेदन है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लें और अभी अपने प्रदेश में 2017 से आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर पद पर प्रोन्नति का प्रकरण चल रहा है और जो योग्य आंगनबाड़ी हैं उन्हें पदोन्नत किया जाए। मैं गाजीपुर जिले से हूं, जो कासिमाबाद ब्लॉक को इस प्रयोजन में, इस ब्लॉक को क्यों नहीं लिया गया है और प्रयोजन लिख दिया है, प्रमोशन वो लिखना चाहते हैं, ये इनकी एक मिसप्रिंट है। 1991 से संचालित हैं, जो अन्य ब्लॉक का हुआ है और हमारे ब्लॉक का नहीं हुआ है, और जिनका हुआ है उनका पूरा आख्या देने का कष्ट करें और इस ब्लॉक को क्यों नहीं इस प्रकरण में लिया गया है ये भी निर्देश देने का कष्ट करें। इस ब्लॉक में कई लड़कियां जो है 26 साल सेवा दी हैं और ये लोग आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के दायरे में आती हैं। कृपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव जी, आपसे नम्र निवेदन है कि इस जिले के कसीमबाद ब्लॉक को भी इस प्रमोशन के दायरे में रखा जाए और जो इस प्रमोशन में हीला हवाला करता है उन्हें निष्कासित किया जाए। मेरा नम्र निवेदन है कि इस ब्लॉक को भी इस प्रमोशन के दायरे में लिया जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस प्रकरण में 26 साल से ऊपर ही सेवा दी हैं। कृपया इस प्रकरण को संज्ञान में लिया जाए और मुझे इस जिले का पूरी आख्या सहित डिटेल में रिपोर्ट दी जाए, ताकि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊं, नहीं तो मैं बाध्य हो जाऊंगा माननीय उच्च न्यायालय में केस करने के लिए। विकास त्रिपाठी, वासुदेवपुर, गाजीपुर से एक इस तरीके से मैटर आया, मोबाइल नंबर वगैरह सब यहां पर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन मामले में यह शिकायत की गई है, लेकिन इनकी कुछ कमियां रह गई जो कि इनको शामिल करना था। कमियां क्या, जिस पर मैंने आपको बताया कि प्रमोशन कितने पदों पर विज्ञप्तियां निकाली गई थी और कितने कम पदों पर प्रमोशन किया गया, बाकायदा सबूत भी आ चुके हैं, सचिव स्तर का लेटर भी मैंने दिखाया कि पूरे पदों पर भर्तियां प्रमोशन वाली नहीं की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन देने की तैयारी, ये बहुत पुराना मैटर है, जब प्रकाशित हुआ था राज ब्यूरो लखनऊ में निकला था कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद पर पदों प्रमोशन देने जा रही है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार निदेशालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की डेटा फीडिंग का काम शुरू हो गया है, इसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इस समय सुपरवाइजर के 489 पद रिक्त हैं, यह पद प्रमोशन से भरे जाने हैं। इन पदों के लिए करीब 1,42,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अहर्ता पूरी करती हैं। ऐसे में एक पद पर प्रमोशन पाने के लिए औसतन 290 दावेदार मैदान में हैं। तो देखो, ये कहना गलत है कि आप, हम 26 साल के हो गए हैं, हम 25 साल के, हम 20 साल से सेवा दे रहे हैं, तो ये तो अलग बात है। क्यों? क्योंकि सबका थोड़ी हो जाएगा, सेवा तो हर कोई दे रहा है 20, 25, 26, 30 साल से, कई तो ऐसे जो आउट ऑफ एज हो गए। अब होना तो पदों के सापेक्ष है, तो मैटर इनको लिखना चाहिए था कि अगर 489 पदों पर प्रमोशन होना था तो 300 कुछ पदों पर हुआ है, जिसका लिखित में आदेश है, तो वो मैंने दिखा भी दिया है, तो उसके बारे में लिखना था कि इतने कम पदों पर क्यों हुआ। अगर पूरे भरे जाएंगे तो और भी लोगों को मौका मिल जाएगा, ये आपका जायज है, ना कि 25 साल से 26 साल से नौकरी कर रहे हैं तो हमारे परियोजना में भी प्रमोशन होगा। दायरे में विभाग रख लेगा, प्रमोशन जबरदस्ती थोड़ी दे देगा, जितने पद स्वीकृत हैं, विज्ञप्तियां निकली हैं, उतने ही भरे जा सकते हैं। अब उसमें कट ऑफ बनेगी और जो बहुत पहले की बहनें हैं उनके अंक ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनका सेवा अवधि काल आपसे भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए आपने देखा होगा 1990-91 के पहले की ही ज्यादातर बहनों का, जिनका ज्वाइनिंग हुआ है जिन जिन परियोजनाओं में, उन्हीं बहनों का प्रमोशन संभवतः हो पाया है, अलग से जो उसके बाद की बहनें हैं उनका नहीं हुआ। और आप सोचो, जिनका ज्वाइनिंग 2000 में हुआ होगा,
वो भी तो जो है 20 साल 20 छोड़ दो क्योंकि 17 तक ही काउंट होगा, तो 17 साल तो उन्होंने भी तो जॉब किया है, 10 साल में ही जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, तो फिर भी वो भी अप्लाई किए हैं, वो भी 17 साल से कर रहे हैं, उनको छोड़ो, 95 वालों को ले लो, उनका भी तो जो है 22-23 साल हो गया तो उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एज आपकी मैटर करती है, आपका ज्वाइनिंग कब हुआ है उस हिसाब से आपके पद कम है, इस वजह से काफी कम लोगों का हुआ है, और वो वही होता है हर भर्ती में, यही होता है, तो इसको आपको कबूल करना है। आपको मुद्दे देता हूं और सही समझाता हूं कि पद कम क्यों विभाग ने भरे हैं, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं लिखा। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन देने के लिए नियम और शर्तें पहले से ही तय की हैं। प्रमोशन के लिए न्यूनतम हाई स्कूल पास होना जरूरी है, 10 साल की सेवा पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही इस पद के लिए अर्हता पूरी करेंगी। तो 10 साल से ऊपर वाली तो लाखों में बहने थी, सबने अप्लाई किया था। 2017 में जब अप्लाई हुआ तो हजारों लाखों की तादाद में आपने देखा था आवेदन गए थे, एक एक जिले से हजारों बहनों के जो है लिस्टों में नाम थे। क्यों? क्योंकि वो तो आवेदन लिए गए थे, उनमें नाम थे, लिस्टें बनी थी, छटनियां हुई, बार बार सत्यापन हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, सब कुछ हुआ। अंततः जब छटनियां होती गई तो सबसे पहले की जो बहनें हैं वही जो है जनपदों में चुनी गई। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपके वहां कोई ऐसी बहन हो जो जो है बाद की हो और उनसे पहले वालों का ना हुआ हो, उनका हो गया हो, तो बताएं। अब उसमें मतलब ये भी ध्यान रखना 2017 में उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ऐसा तो नहीं है कि प्रमोशन प्रक्रिया में अप्लाई ही ना किया हो उस टाइम पर वो आउट ऑफ एज हो, तो आप उनको यहां पर हमें जो उदाहरण स्वरूप देने लग जाएं। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि पूरा मैटर क्या है, और फिर आपको आगे इसके लिए जो है विभाग सरकार से कहना है। अगर मुद्दे सही नहीं होंगे तो विभाग आपको आसानी से इन चीजों का जवाब दे देगा और बच जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन आपके पास जो सवाल हैं वो होने चाहिए ऐसे जिस पर विभाग जवाब दे सके और वो आपके भी हित में हो जवाब, और उनसे कुछ ना कुछ फायदा हो। अब ऐसे कि 26 साल सेवा दी है, हमारा क्यों नहीं हुआ, हमारी परियोजना में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही कारण है, पद कम है और कम पदों पर और भी उनमें से नियुक्तियां दी गई, और इसीलिए यहां पर कट ऑफ का थोड़ा दिक्कत बना हुआ है और इसीलिए बहुत सारी बहनें रह गई हैं। तो ये तो दुख की बात है, मैं चाहूंगा पूरे पद विभाग अगर भर लेता तो भी सैकड़ों में अभी कुछ बहनें और उनको नौकरी जॉब मिल जाती, क्योंकि टोटल पद नहीं भरे गए। और उसको छोड़ो, सीधी भर्ती में आपने देखा था लगभग 2000 के आसपास सीधी भर्ती के लिए पिछले साल आवेदन भराए गए थे। सुपरवाइजर भर्ती जब निकली थी उसमें बहुत सारे पद थे जो कि आधे पद नहीं है, जबकि प्रमोशन आधे पदों पर होना चाहिए और आधे पदों पर क्या हो, सीधी भर्तियां हो। इन चीजों के लेकर के अगर मुद्दों को लेकर के कोई कोर्ट जाए, आवाज उठाए, तो आपके लिए सही विकल्प हो सकते हैं, आपके लिए कुछ फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, जैसे कि दोबारा से शायद फिर से प्रमोशन विभाग निकाले, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे यहां पर प्रमोशन में कम पद भरे जाएंगे, बाद में ऐसे ही सब खाना पूर्तियां कर दी जाएंगी और सीधी भर्ती में ज्यादा पद निकाल दिए जाएंगे, तो फिर आपका अधिकार तो वहां छिन रहा है ना, कि ज्यादा पदों पर सीधी भर्तियां और कम पदों पर जो है प्रमोशन, तो वहां अधिकार आपका छिन रहा है, वहां पर आपकी सीटें छिन रही हैं। तो कहां फोकस करना है इंसान को, वहां कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, इधर उधर के चक्कर में वो अपना बहुत कुछ गंवा रहे हैं। तो मुद्दे सही तलाशो और फिर आगे लड़ो, और फिर उसके लिए सरकार से विभाग से सवाल जवाब करो तो बेटर रहेगा। तो इसके बारे में अगर कोई पूछे, पिछली बार जब आवेदन हुए थे तो कितने पदों पर सीधी भर्तियां सुपरवाइजर पर निकाली गई, क्या वो नियमता सही है? आधे 50% पदों पर जब प्रमोशन से भरे जाने हैं तो फिर सीधी भर्तियां इतने पदों पर क्यों निकाली गई? अगर निकाली गई तो प्रमोशन के पद फिर क्यों नहीं बढ़ाए गए? मान लीजिए 2017 में इतने ही पद थे उस टाइम पर, बाद में सब रिटायर हुए, तो विभाग जब इस टाइम पर, जब पिछले साल 2021-22 में यानी जब भी निकाला है आवेदन लेने के लिए, तो उस टाइम पर अगर 2000 के आसपास, मैं मोटा मोटा आंकड़ा दे रहा हूं, मुझे एक्चुअल नहीं पता लेकिन पद तो बहुत हैं, तब उन जो 1000-2000 जो पद निकाले जा रहे सीधी भर्ती के, उसके आधे पद यानी इतने ही पद जितने निकल रहे सीधी भर्ती में, उतने ही पद क्या प्रमोशन के लिए और विभाग ने बचा करके रखे हैं बहनों के प्रमोशन के लिए? तो ऐसे मुद्दों पर मुझे लगता है आप सबको लड़ना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। जिला बाराबंकी से एक ये आर्टिकल मेरे पास आया था जो कि काफी पुराना है, 489 पदों पर तब जो है ये प्रमोशन होने थे, अभी 341 पद। देखो बहन ने लिख भी दिया, मैंने बताया था ना, मैंने लेटर भी सब दिखा दिया है, अब हर चीज मैं जवान पर याद करके थोड़ी रख सकता हूं। तो 341 पदों पर ही प्रमोशन क्यों विभाग ने किए जब 489 पर
विज्ञापन निकाले गए थे। एक तो इसी में कटौती हो गई, दूसरा पिछली साल जब सीधी भर्ती के लिए फॉर्म भरा गया है तो उसमें इतने ज्यादा पद क्यों निकाल दिए गए? तो क्या अगर निकाले भी गए हैं तो क्या उतने ही पद, यानी आधे पद, उतने ही पद जितने निकाले गए हैं उतने ही 50% पद क्या विभाग के पास सुरक्षित हैं, जिन पर दोबारा से विज्ञापन विभाग प्रमोशन के लिए आंगनबाड़ी बहनों को निकाल सके और उनको फिर मौका मिल पाए? तो अपने हक के लिए इधर लड़ो, कोर्ट जाओ तो इन मुद्दों को लेकर के जाओ, ताकि अपनी सीटें, अपना प्रमोशन, अपना फ्यूचर आप बचा करके रख पाओ। अगर मेरी बात से सहमत हो आप सब तो कमेंट में बताइएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, जहां ध्यान देना है वहां कोई दे नहीं पाता है, हमारा नहीं हुआ इस पर जो है लोग परेशान हैं, हमारा क्यों नहीं हुआ इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारा कैसे नहीं हो पा रहा है, कैसे थोड़ा थोड़ा हक छीना जा रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो नियमों का पालन कराओ, इसके लिए लड़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है और कुछ जानकारियां मेरे पास आई हैं, जैसे कि ये एक आदेश सुल्तानपुर से आया है, 15 जून तक आंगनबाड़ी जो है सेंटर वहां पर बंद कर दिए गए, बच्चों की छुट्टियां हैं लेकिन कार्यकर्ता बहनों की छुट्टियां नहीं है। सुल्तानपुर में डीपीओ महोदय ने एक लेटर जारी किया है 26 तारीख को। इसके अलावा एक लेटर है मासूम बानो बहन कौसाम्बी से, उन्होंने भेजा है, लेटर नहीं है, एक अखबार में का आर्टिकल निकला है कि जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी और लू की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों का 15 जून तक अवकाश घोषित किया है और ये कौशाम्बी जिले का मैटर है। तो 15 जून तक कौशाम्बी में भी क्या है, आंगनबाड़ी के 3 से 6 वाले बच्चों की छुट्टियां हैं, आंगनबाड़ी बहनों की नहीं है। अब इसके पहले वाला फूलचंद वर्मा जी हैं सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर का लेटर उन्होंने भेजा था। इसके अलावा कुछ बहनें हैं जिनके कुछ सवाल हैं, आइए देखते हैं। रूबीना मिर्जा, इन्होंने लिखा, भैया जी मेरी शादी हो चुकी है पर आधार पर एड्रेस मैंने नहीं चेंज कराया है, अभी मेरा जो है पिता के नाम से आधार पर मेरा जो है नाम है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में नौकरी जा सकती है? तो ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएगी। इन्होंने कहा है शादी हो चुकी है, आधार पर एड्रेस मैंने नहीं चेंज करवाया है, तो आप चाहें तो करवा लें, आपकी मर्जी है। आप जॉब कहाँ करती हैं वो डिपेंड करेगा, अगर आप जॉब अपने मायके में ही कर रही हैं तो मत चेंज कराएं, वहीं रखें, वहीं की निवासिनी बने रहें, तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और वहीं अगर, क्योंकि देखो तलाकशुदा हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो तो मायके में ही रहेंगी, अब तलाकशुदा हो गई या विधवा हो गई, बहुत सारी हैं जो मायके भाग जो है चली जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में जो है उनको जॉब मिल जाती है तो क्या उनकी विभाग छीन लेगा जॉब? नहीं छीनेगा। तो जॉब कैसे छीनेगी? अगर आप बदली कराना चाहेंगी और आप जो है वहां पर कोई पद नहीं है, कुछ है नहीं और आप चाहती हैं कि हो ही जाए तो होगा। और ये कुछ चीजें हैं, और बाकी विभाग चाहेगा तो सब कैसे कर लेगा? नियम तो उन्होंने एक छोड़ रखा है ऐसा कि वो चाहेंगे तो हटा लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रथम दृष्टया यही तो शर्त है कि उसी ग्राम सभा या वार्ड की निवासिनी होनी चाहिए आप, तो निवासिनी से मतलब ये है चाहो तो आप जमीन खरीदो, किसी ने राय दिया था, लेकिन इस आंगनबाड़ी की जॉब में खाने के लाले लगे हैं, जमीन कहां से कौन खरीदेगा जिसकी जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहां का निवासी होना चाहिए, मेन बात ये है। मायके में हो तो मायके के ही निवासिनी आप बनकर के अगर रहोगी तो जॉब आपकी बची रहेगी, आपको वही रहना होगा, वही आपका घर जो भी है वो सब होना चाहिए। ये नहीं कि आप ससुराल में रहती हैं, अलग किसी गांव में रहती हैं, वहां से आप डेली आती हैं जॉब करने यहां पर, ये सिचुएशन विभाग जो है नहीं मानेगा। तो इसीलिए चीजें हैं। अब नौकरी क्यों लग गई, लोग कहते थे नौकरी इसलिए लग गई क्योंकि आप वहीं की निवासिनी थी, आपने फॉर्म भरा, विभाग ने तो भर्ती के पहले नोटिफिकेशन ये लंबा सा क्यों देते हैं, उसमें यही तो नियम शर्तें सब लिखी जाती हैं, तो इंसान उनको पढ़ता नहीं है, भर देता है, उस पर विचार नहीं होता, कहते हैं मिल जाए आगे का आगे देखेंगे, तो जो है सो है। विकास कुमार, इन्होंने लिखा, हमारी मम्मी का नाम प्रमोशन लिस्ट में था, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट चंदौली ब्लॉक सकलडीहा से हूं, क्या यहां की लिस्ट आ गई? भैया जी देखो, मैंने बहुत बार कहा मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कहां की लिस्ट मैंने दिखा दी है, कहां की अभी रह गई है, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा एक खबरें होती हैं तो ये याद नहीं रख पाऊंगा मैं कहां कहां की दिखाई कहां की नहीं दिखाई। 75 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में, आप अब आप बताओ मैं कितनों को याद रख पाऊंगा कहां कहां की मैंने दिखा डाली है। तो काम है हमारा दिखाना, जो जानकारी आए वो हम समय पर आपको दिखाएं, लेकिन अब देखना या ना देखना वो आप पर डिपेंड है। अब अगर आ गई होगी तो मैंने दिखा दी होगी, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने देखी कि नहीं देखी, अब ये आपकी मर्जी है, देखो या ना देखो, हमारा कर्तव्य, हम तो अपना वो करते चले आ रहे हैं, जो आ रही है वो हम दे रहे हैं, अब नहीं आ रही है तो उनको हम अपने पास से तो बना नहीं देंगे। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं, लेकिन देख नहीं रहे हैं अगर आप डेली खबरों को तो जाहिर सी बात है छूट जाएंगी, मैंने दिखा भी दी होंगी तब भी आप नहीं देखी तो फिर समझ लीजिएगा आपकी छूट गई, आप गए तो हम अलग से थोड़ी बता पाएंगे कि हमने वो दिखाई थी कि नहीं, क्योंकि ये संभव नहीं है याद रख पाना इतनी सारी खबरों में कि मैंने क्या क्या दिखाया क्या क्या नहीं दिखाया।
आभा देवी बहन इन्होंने लिखा, मेरी मम्मी अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, यानी मायके में ही रहती हैं, इसलिए ये अपना कह रहे हैं। तो भैया जी मेरी मम्मी की नियुक्ति 2004 में मेरे नाम के जो है यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, मेरे मामा के गांव में हुई थी, यानी मायके में हुई थी, और उसी वक्त मेरी मम्मी की शादी हो चुकी थी और उसी वक्त उस गांव में मेरी कास्ट में कोई कैंडिडेट नहीं था, बट अभी भी मेरी मम्मी का निवास मामा के घर का ही है। तो वहीं का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बदलवाने की जरूरत नहीं है। बदलवाना अगर कब, जब आपके ससुराल में आपकी ही कैटेगरी का पद खाली हो, और तभी समायोजन के लिए आप जो है कहना, अन्यथा मत कहना, वरना विभाग मौका तलाशेगा और नौकरी से हाथ धो बैठेंगी। नमित जो है यहाँ पर नमित पांडे लिखा है कि भैया जी नमस्कार, मैं बांदा जिले से हूँ, राजेश कुमारी हैं, और मेरा प्रमोशन होना था, लिस्ट में 3 नाम थे मेरा, बट यहाँ मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मेरी नियुक्ति 1991 की है, और अब आप बताओ, बांदा जिले से 27 लोग थे पर कुछ पता नहीं चल रहा है, आप कुछ बताएं। देखो अगर लिस्ट आ चुकी होगी तो मैंने दिखाई होगी, अब 91 की है आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब आपके जिले में कौन सी जो है नियुक्ति वालों का हुआ है ये आप अपना पता कर ले, विभाग से चाहे तो जानकारी मांग ले, और हमने जो भी जितना आया होगा लिस्ट में वो दिखाया होगा, लिस्ट में ज्वाइनिंग डेट वगैरह आई नहीं है तो बता पाना संभव नहीं है। इसके पहले जो आई थी उनमें आप खुद से देखो कि उन बहनों का कितना कितना था जिनका नाम आया था पिछली बार जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पर, तो उसमें अगर दिखाया होगा कि किसकी ज्वाइनिंग क्या है, तो उससे अपना अगर आपके पास है डेटा तो अच्छी बात है, तो देखो जिनका हुआ है उनकी क्या जो है ज्वाइनिंग थी और आपकी क्या है। तो यही कारण है, आपके पहले की होंगी उसीलिए उनका हुआ होगा, अगर नहीं है ऐसे कोई प्रकरण तो अपना विभाग से आप जो है सवाल कर सकती हैं। लाइफ ऑफ नैना के नाम से आईडी है, बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे तो मजदूरी कर लें इससे ज्यादा कमा लेंगे, बहुत गंदा विभाग है, इस तरीके से लिखा है। यास्मीन खान ने लिखा, शादी के बाद जो है ऐसा घर मिले इस नौकरी की जरूरत ही ना पड़े, वैसे भी क्या रखा है इस नौकरी में, बस काम काम और मानदेय कुछ नहीं, टेंशन ही टेंशन, इस तरीके से उन्होंने अपनी समस्या बताई। इसके अलावा सुशीला देवी ने कहा, भैया जी नमस्ते, यह बिल्कुल गलत है, कोई आंगनबाड़ी बहन अपने बच्चों को शहर में रहकर पढ़ाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है। देखो शहर में पढ़ाओ, विभाग को उससे दिक्कत नहीं है, शहर में पढ़ाओ, लेकिन आप सोचो कि आप नौकरी गांव में करो और शहर में आप भी रहो और बच्चों को वहीं पढ़ाओ, तो फिर यहां नौकरी कौन करेगा। विभाग को चाहिए वो जो उसी जगह गांव में रहे, अब शहर में रहना है तो शहर की निवासिनी बनो और शहर में ही फिर अपना आंगनबाड़ी के लिए जो है अप्लाई करो, नौकरी मिले तो करो, विभाग तो ये कहेगा। विभाग को चाहिए कि उसी क्षेत्र में ग्राम सभा या वार्ड में आप निवासिनी होंगी तो वहां के लाभार्थियों के पास आप जो है तमाम जो चीजें चलती हैं गतिविधियां तरह तरह की सब, तो उनसे आपका संबंध अच्छा बना रहेगा और आप हर एक टाइम पर समय से उपस्थित रहेंगी उन कामों में, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि उसी क्षेत्र के होने चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को आप बढ़िया तरीके से सुन सकें, समझा सकें। जॉब भी यहां पर ऐसी है कि यहां महिलाओं को, गर्भवती महिला, धात्री माताएं, बच्चे, किशोरी, इन सब से क्या करना है, संवाद करनी है, उनको समझाना है, बताना है, यही सब करना है। तो ऐसे मामले में कोई अन्य गांव से आएगा तो क्या वो उतना अच्छा अपने वहां पर वातावरण वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब टीचरों को ले लो, लोग उदाहरण देते हैं, टीचर क्या गांव गांव सबके घर में जाकर के कोई जागरूकता कार्यक्रम आंगनबाड़ी बहनों के जितना कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, आते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं चले जाते हैं, और उन्हीं को जो बस पढ़ने आते हैं बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी फैमिली, इनसे तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है आंगनबाड़ी की जॉब में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसकी वजह से उसी ग्राम क्षेत्र वार्ड का निवासी हो, विभाग को ऐसा लगता है वही बेटर कार्य कर पाएंगे, और यही एक कारण है कि वो लोग इस बात को लेकर के चीजों को करते हैं। अब बाकी ये सही है नहीं सही है, इसके लिए भाई मैं कोई न्यायाधीश तो हूं नहीं जो मैं कह दूंगा ये सही या वो नहीं सही, तो ये चीजें हैं। बाकी मैं तर्क दे सकता हूं सही है नहीं है क्या है, वो आप डिपेंड पर, आप पर यानी निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। अब इन्होंने लिखा, वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र को समय से चलाएं और सारे काम करें, क्या सारे सरकारी टीचर उसी गांव के होते हैं जिस गांव में वह पढ़ाते हैं। तो टीचर की नियुक्तियां, उनकी नियमावली, उनका सब कुछ अलग है, क्या हम सब टीचर हैं ये सोचिए। हम लोग मान भले ही हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या विभाग हमको मानता है, या हमारी नियुक्ति हुई थी जो नोटिफिकेशन आया था क्या उसमें टीचर लिखा था, या हमारी सेवा शर्तें क्या टीचरों जैसी हैं। खुद से सोचो जरा, देखो सच्चाई है उसको कबूल करो, अब ये नहीं है कि हम अपना भावनाओं में बहते रहे हमेशा, तो कुछ ना कुछ चीजें हैं उनको आपको फेस करना है और जो तथ्यात्मक चीजें हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो मैं चाहता हूं हम सब टीचर बन जाएं, लेकिन क्या ये इतनी आसानी से संभव है, विभाग चाहे तो करे, बात अलग है प्री प्राइमरी में जोड़ करके, लेकिन ये सब चीजें हैं कि रहेगा कि नहीं रहेंगे, और जो नौकरी की शर्तें हैं वो तो आपने कबूल की है उसके बाद नौकरी ज्वाइन की है, तो ऐसे में जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि
भावनाओं में भी बह करके लोग कमेंट कर रहे हैं। मुस्कान जी ने लिखा है, मैं मथुरा ग्रामीण ब्लॉक से आंगनबाड़ी हूँ, ज्वाइनिंग 1991 की है, डेट ऑफ बर्थ 71 है और एमए तक सेकेंड डिवीजन हूँ, प्लीज बताएं प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। अब आप पूछो कि आपके वहां पर किस किस का प्रमोशन हुआ है और उनकी ज्वाइनिंग क्या थी, पहले ये आप पता कर लो, उसके बाद आप हमें बताओ, तो खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर मेन चीज यही है कि ध्यान देना है आप सबको इन चीजों के बारे में। पद कम है तो जाहिर सी बात है छट्टा लोग लिए गए, और पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने ब्लॉक ऐसे होंगे, हर ब्लॉक से वो प्रमोशन ही कर देंगे, हर ब्लॉक भी लेंगे तब भी जो है प्रमोशन पूरे नहीं कर पाएंगे, यानी सबको देंगे तो पद जो है पूरे जो है भरेंगे तो हजारों में निकल जाएंगे पद, इतने तो पद भी नहीं है। तो यही चीजें हैं आपको ध्यान देना है। और जो इस पर सवाल करने हैं, जो सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया जितने पदों पर हो रही है, क्या 50% उतने ही पद विभाग ने प्रमोशन के लिए सुरक्षित रखे हैं आंगनबाड़ी के लिए, क्योंकि ये तो 2017 के थे, अब 21-22 में जो सीधी भर्ती निकाली गई उसको लेकर के सवाल खड़े करिए। तो अपने पदों को बचाइए, जितने ज्यादा पद उतने ज्यादा लोगों को मौका, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जितने ज्यादा पद उतने ज्यादा लोगों का प्रमोशन, और उतनी ही कट ऑफ कम जाएगी उतने ही लोगों को प्रमोशन हो जाएगा, ये चीजें समझिए। जहां की आंगनबाड़ी है वहां भूमि खरीदें, वहां के निवासी बन जाएं, स्थायी निवास बना लें। असरफी वर्मा इन्होंने सुझाव दिया है, जिस पर आभा देवी बहन ने लिखा है, कितना वेतन मिलता है आंगनबाड़ी बहनों को, कहां से पैसा लगाएंगी ये भी बता दीजिएगा। तो सही सवाल उन्होंने यानी जवाब दिया है, भाई देखो आंगनबाड़ी बहनें जमीन नहीं खरीद सकती, ये समझ लीजिएगा, कितना खरीदेगी, कहां से पैसा लाएंगी, और जिसके घर में अथाह पैसा ही है वो ये जॉब ही क्यों करेगा, ये भी एक सवाल है। तो यहां पर ये चीजें हैं। अब जमीन खरीदना कोई हलवा नहीं है कि आलू गाजर मूली है तो हम भी चले और ले आए 1-2 किलो, भाई जमीन की रेट आप पता करो, हर जगह अलग अलग है, कैसे बेचारी खरीद लेंगी, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, दुनियादारी, दवाई का खर्चा, बहुत कुछ है, वही नहीं संभल रहा है इतने कम पैसों में, तो आप सोचो जमीन कहां से खरीदें नौकरी को बचाने के लिए, पूरी नौकरी में इतना तो कमा नहीं पाएंगे जितने की जमीन मिलेगी, तो सोचिए। शिवम जी हैं, उन्होंने लिखा, भैया जी जम्बू में भी जो है यही नियम है क्या, तो जम्बू में ये नियम नहीं है, यूपी में ये नियम थे। रवि शर्मा, जिस आंगनबाड़ी ने अपने मायके में ही अपना घर बसा लिया हो तो क्या सरकार उसको भी निकाल देगी, या अपना निजी घर बना लिया हो वही रहती है, तो देखो अपना घर बना लिया है वहीं रहती है, वहीं की निवासिनी है, तो उसको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना ही उसको कोई अपना ट्रांसफर करवाना है यानी समायोजन करवाना है, तो वो अपना वहीं रहेगा, वहीं जॉब करेगा, विभाग उसको टच भी नहीं करेगा, ये समझ लेना। रवि शर्मा जी ने लिखा, ये इतनी बड़ी नौकरी है कि कोई शादी नहीं करेगा, इनको शादी से दिक्कत है कि सेंटर चलाने से मतलब है, ये तो गलत आदेश है, इसका तो विरोध होना चाहिए, कुल मिलाकर के सरकार को आंगनबाड़ी को बंद करना चाहती है, इसीलिए उल्टे सीधे आदेश जारी कर रही है। तो भाई देखो अलग अलग लोगों का मानना है और अलग अलग मैसेज हैं। और ऐसे ही एक और आया, गलत बात है भाई, अगर यह कार्यकर्ती जिसका पहले जहां चयन किया गया था, यदि कार्यकर्ती वहां कार्य करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, यदि कार्यकर्ती मैके रहकर के कार्य करना चाहती हैं या कार्य करती हैं तो सेवा समाप्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और ऐसा ही है। अगर वो वहीं रहकर के कोई जॉब करना चाहता है, वहीं रहता है, तो उसको विभाग नहीं हटा पाएगा, ये शर्त है कि उसी ग्राम सभा की निवासिनी होनी चाहिए, और आप वहां की निवासिनी हैं, आप वहीं रहती हैं, वहीं काम करती हैं, तो कोई बात ही नहीं, नौकरी नहीं जाने वाली। लेकिन आप सोचो कि शादी हो गई, आप रहती कहीं और है, नौकरी यहां करने आती है, तो विभाग चाहेगा हटा देगा, क्योंकि ये पहले नियम का पालन इसमें नहीं होता दिख रहा है। किरण यादव जी ने लिखा, सर अगर मायके में मिनी है और ससुराल में फुल सेंटर है तो क्या ट्रांसफर नहीं होगा, आप बताओ आप ट्रांसफर कराना चाहती हैं या सीधा अपना प्रमोशन कराना चाहती हैं। भाई आप खुद से सोचो, हर कोई चाहेगा, मिनी कार्यकर्ता बहन है ये चाहती हैं कि इनका जो है प्रमोशन यानी बदली हो जाए, वो भी कहां पर, ससुराल में उनका मेन सेंटर है, मेन सेंटर पर हो जाए, तो क्या मिनी से मेन में विभाग जो है आपका प्रमोशन करेगा डायरेक्ट या फिर बदली कर रहा है डायरेक्ट। तो अगर पहले जहां पर आप हो यहीं पर अगर आपका मेन में हो जाए, समझिए हमारी बात को, आप मिनी हो, अपने मायके में जॉब करती हो, यहीं पर आपका सेंटर मिनी से मेन सेंटर बन जाए, मिनी से मेन में बनाने के लिए भी कुछ समय पहले लेटर आए थे, प्रक्रियाएं चल रही थी, मैंने बहुत समझाया था, जिनने ध्यान दिया होगा उनका शायद विभाग से आपसी तालमेल में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो अगर आप मेन बन जाती हैं यहां पर तो अपने वहां पर आप आसानी से ट्रांसफर करा लेंगे, हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आप यहां पर अभी मिनी ही हैं और वहां आपका मेन में हो जाए, ये नहीं होगा। अब ये है भैया जी, एससी को जर्नल पर समायोजन मिल सकता है क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा और ना ही इतनी आसानी से मिलना चाहिए, रीजन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्यों कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है, काफी लोग एससी वाले होंगे उनको लगेगा ये गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहा हूं, देखिए समझिए मेरी बात को, मान लीजिएगा एससी वाले हैं ठीक,
अब ये चाहते हैं कि जनरल पर भी इन्हीं की नियुक्ति हो जाए, तो आप आपको बता दें कि जनरल वाले फिर पद कहां जाएंगे? हर कोई एससी वाला अपना यही करेगा कि जनरल वाले पदों को फिर खत्म कर देगा, तो आरक्षण कहां बचेगा भाई? जनरल वालों को भी तो अपने पद बचा के रखने हैं, ऐसे दूसरे दूसरे पदों में अगर घुस जाएंगे लोग तो फिर बाकी वो तो मिटते चले जाएंगे। ठीक है, हर एससी वाला अगर मान लीजिएगा जनरल में अपना करा ले तो जनरल वाले तो पद खत्म, अब एससी के वो समझ लिए हो गए, तो ऐसे कैसे होगा भाई? तो ये संभव नहीं है, इसीलिए तो बोला गया आरक्षण प्रभावित ना हो, जिस पद पर आप वहां जहां कर रही हैं उसी जो है आपके जो है श्रेणी का पद खाली होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से विभाग नहीं करेगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, ये बहन है मीरा बलरामपुर से, ये है वंदना सिंह आजमगढ़ से, ये इंद्रावती चंदौली से, ये शिवरानी अलीगढ़ से, उमा कानपुर देहात से, मधु फतेहपुर से, और इसी के साथ आज के इस वीडियो को